हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल से घर वापस। छुट्टी हो गई है तो अभी अभी किसी ने कमेंट किया है यूट्यूब में कि क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। हमारे वीडियो में कमेंट किया ये, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम स्कूल जाते हैं, पर हम व्लॉगिंग आफ्टर स्कूल या बिफोर स्कूल या फिर स्कूल जाते वक्त ऐसा करते हैं। ड्यूरिंग स्कूल टाइम हम नहीं करते हैं। फिर अभी मैं स्कूल से जा रही हूँ तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जाते जाते वीडियो बना लूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम व्लॉग स्कूल टाइम पे नहीं करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ रुक रुक से पैदल। मौसम साफ भी है और ख़राब भी है। और ये देखो वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। हेलो, जल्दी आओ। ये देखो बच्चे पैदल आ रहे हैं। कौन से स्कूल में जाते हो? फोटंग में। सुबह शाम रोज चल के जाते हो? हाँ। अच्छा जी, तो फोटंग में कितने बजे छुट्टी होती है? 3:15 पे। तो आप लोगों को स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा, तो थोड़ा इधर देखिए, हाय बाय करो। थोड़ा इधर देखिए, हाय बाय करो। हाय बाय। तो चलते चलते मुझे ये बच्चे मिले रास्ते में। सफ़र के साथ ही बहुत ही एक्टिव है और ये बहुत ही स्पीड जा रहे हैं। दिन ब दिन, डे बाय डे बर्फ़ का हो रहा है चुमंतर। पहले बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा था, अब देखो एकदम से इतना चपटा हो गया और धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रहा है और देखते देखते बर्फ़ हो भी जाएगा चुमंतर। तो अभी बज रहा है अभी 3:40 समथिंग हो रहा है। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रात में, खामोशी में बातों में। मैं भेजो तुझको ये बयां, तेरी याद हम सफर। ये है जास्कर का पुराना घर। ये देखो जास्कर में घर के ऊपर इस तरह सूखा घास रखा जाता है और साइड साइड में लकड़ी रखी जाती है और ये देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे आप लोगों को इसमें लग रहा है।
और ये देखो साइड में ही गाय का खुर है जहाँ गाय को घास देकर रखा जाता है। और जितना भी पुराना घर होगा उन सब के छत में गाय का गोबर, इस तरह का लकड़ी, घास इस टाइप का रखा होगा और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। चीचो दिन बुटू लम्पा ची बेचो ये हाय ने तो बच्चे दुकान में वेट कर रहे हैं। किजा सो शू दिन हटीन ची हो चे हाय लेस लेस दुआ हटने को हाय दुआ मिंदो मिंदो ते ची हो चे। ये देखो ये बच्चे बहुत ही शांति से कर रहे हैं दुकान वाले का इंतजार। तो मुझे कौन मिला? मेरी क्लासमेट 5 साल के बाद। बाय बाय। तो अभी भी मैं ऑन द वे हूँ, अपने घर नहीं पहुँची। लगभग मुझे उफ्ती के वहाँ से अपने घर तक 40 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स लगता है। तो आज चलने में बहुत ज़्यादा आलसी हो रही है, तो शायद 1 घंटा भी लग सकता है। अभी 4:10 जैसा हो रहा है, तो देखते हैं घर कितने बजे पहुँचते हैं। अभी मैं रुक रुक विलेज से भी काफ़ी आगे पहुँच गई हूँ और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, बाकी कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी। बस अभी मुझे अपनी एक फ्रेंड मिली थी, वो भी स्कूल में जाती है, तो वो मिली। वो रुक से तो वो चली गई। तो फिलहाल तो ये पूरे सुनसान सड़क में मैं अकेली हूँ। ये देखो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो देखो कौन आ रहा है। हेलो हेलो, ये हाथ में क्या उठाया आपने? स्टिक। क्यों उठाया? क्योंकि उधर कुत्ते होते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, तो दौड़ रहा है। इनको लगी है भूख बहुत जोर का, बहुत जोर का, इसलिए ये जा रहे दौड़ दौड़ के। देखिए कैसे दौड़ के जा रहे। तो हम पहुंच गए हैं अगेन अपनी गलियों में। टाइम शाम शुरू, अब हमारे ये वो से रिसम गम्बो जानो, रिसम गम्बो का खा पिघलने वाला है। 4:39 हो रहा है अभी टाइम, पूरे 1 घंटा लगा मुझे उफ्ती से घर तक आने में। चिचड़ चिचड़ है, चिचड़ चिचड़। तो हम घर पहुंच गए हैं। ये देखिए गाइस, मुझे बहुत भूख लग गया जोर का, क्योंकि मैंने सुबह 1 की रोटी खाया और थोड़ा सा थूपा पिया। अभी हम जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए पदुम में। सब्जी खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है गाजर के सिवा। ये भाई दोस्त, ये कली है ये सब्जी।